सो गाइस आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम सभी को पता है दो नई टीम्स का एडिशन होने वाला है एंड एक बहुत बड़ा रूल भी अब चेंज होने वाला है आईपीएल 2022 के ऑक्शन में, जिसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो देखो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन उस टाइम मैंने आपको बोला था कि इसके चांसेस कम है, लाइक उस टाइम पे 10% चांसेस थे, लेकिन अभी जो चांसेस है वो बढ़ के 60% हो गए हैं। क्या है ये खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने आप सभी को बताया था कि शायद बीसीसीआई एक ऐसा रूल निकाले जिसमें ये मेंशन किया जाए कि हर एक टीम को रिवैम्प करना पड़ेगा, यानी कि हर एक टीम को अपने सभी प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा। अभी फिलहाल आईपीएल में 8 टीम्स है, नेक्स्ट सीजन में दो नई टीम्स का एडिशन होगा, टोटल 10 टीम्स हो जाएंगी। अब यही रीजन है जिसके कारण बीसीसीआई ये रूल निकालेगा। देखो आप सोचो कि जो 8 टीम्स है उनको अगर बीसीसीआई रिटेंशन का मौका दे देता है, वो लोग 3 प्लेयर रिटेन कर लेते हैं, 2 आरटीएम यूज कर लेते हैं, फिर जो भी वो प्रोसेस यूज करते हैं वो अगर अपने 5 प्लेयर रिटेन कर लेते हैं, तो क्या जो दो न्यू टीम्स आ रही है उसके साथ अनफेयर नहीं होगा? तो अगर बीसीसीआई को एक फेयर टूर्नामेंट कंडक्ट करना है, फेयर लीग कंडक्ट करना है, देन बीसीसीआई को ये रूल निकालना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये उस टाइम मतलब मैंने अपना ओपिनियन आपको दिया था कि ये मुझे ऐसा लगता है एंड बताए थे कि इसके बहुत कम चांसेस है, लेकिन अभी ऐसी खबरें आ रही है कि इसके जो चांसेस है वो बढ़ चुके हैं एंड खबरें ऐसी आ रही है कि बीसीसीआई या तो यही करेगा या तो कुछ और न्यू कर सकता है। लाइक मैंने आपको एक और बात बताया था, शायद बीसीसीआई ऐसा कर दे कि आरटीएम पहली बात तो बंद कर दे, रिटेंशन सिर्फ 1 या 2 रखे, आप 2 प्लेयर को मैक्सिमम रिटेन कर सकते हो एंड वो जो 2 टीम्स है उनको भी रिटेंशन का मौका मिले। कैसे? जब ये 8 टीम्स रिटेन कर ले अपने प्लेयर्स को, उसके बाद जो बचे प्लेयर्स है मतलब सभी प्लेयर्स, वो 2 टीम्स के पास सभी प्लेयर्स, जो भी प्लेयर्स बचे हैं 8 टीम्स ने वो जो अपने 1-2 प्लेयर को रिटेन कर लिया, उसके अलावा जो भी प्लेयर्स बचे हैं उसमें से ये 2 टीम्स किसी भी 2 प्लेयर या फिर 3 प्लेयर, आप जितना भी उस टीम को मौका दे रहे हो उतना इस टीम को मौका दो एंड ये टीम भी उतना ही प्लेयर रिटेन कर लेगी। तो ये आप कह सकते हो सभी टीम्स के साथ फेयर हो जाएगा एंड इस तरह आप एक फेयर टूर्नामेंट कंडक्ट कर पाओगे। लाइक आप सोचो मुंबई अगर रोहित एंड बुमराह को रिटेन कर लेता है फॉर एग्जांपल, तो मुंबई पोलार्ड को, सूर्य कुमार यादव को, ईशान को, हार्दिक को, सबको रिलीज करता है, तो वो जो 2 न्यू टीम है उसमें से एक टीम ने पोलार्ड को ले लिया, कुरुणाल को ले लिया, दूसरी टीम ने हार्दिक को ले लिया, सूर्य को ले लिया या फिर ईशान को ले लिया, ऐसे हो गया। तो ऐसे सभी टीम्स के साथ फेयर हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं। पर्सनली ऐसा मुझे लगता है कि जो सेकंड है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज पहला जो है अब कौन यार बेंगलोर को विराट कोहली के बिना देखना चाहेगा, मुंबई को रोहित शर्मा के बिना, चेन्नई को धोनी के बिना देखना चाहेगा? मैं तो पर्सनली ऐसा नहीं चाहूँगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। मैं चाहूँगा कि आरटीएम बंद किया जाए और 2-2 रिटेंशन दिया जाए और जो टीम नहीं आ रही है उसको भी रिटेंशन का मौका दिया जाए। आपका इसके ऊपर क्या कहना है नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगा आपको। चलिए लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगले वीडियो में नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।